नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है जीके क्राफ्ट। दोस्तों आज का ये वीडियो कोई क्राफ्ट वीडियो नहीं होने वाला है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे क्ले के बारे में, जिससे हम अपनी कुछ क्राफ्ट की वीडियोस बनाते हैं। और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई ये कौन सी चीज़ है जिससे कि आप बहुत अच्छे से और आसानी से सारी चीज़ें बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि क्ले क्या होता है और इसका काम क्या होता है, और आपको बताएंगे कि आप इसे कहाँ से खरीद सकते हैं और ये कितने रुपए की मिलती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे पास ये है क्ले जिसमें कि 12 कलर हैं और एक पैकेट में ये आपको 12 कलर मिलेंगे कुछ इस तरह के। आपको लगभग इसमें सारे कलर देखने को मिल जाएंगे और आपको ये मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। आपको ये स्टेशनरी की जो शॉप्स होती हैं जहाँ पे स्कूल का सामान सारा मिलता है, जहाँ पे कापी किताबें और क्राफ्ट का सामान जहाँ पे मिलता है, आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे आसानी से मिल जाएंगी। और उसके पैकेट में आपको ये कुछ इस तरह के टूल देखने को मिलेंगे जिसे आप क्राफ्ट बनाने में यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे दिखते हैं और अच्छी तरह से आप इससे कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह के पैकेट होते हैं छोटे छोटे से। अगर आप इन्हें एक या दो खरीदेंगे तो आपको शायद दुकानदार ये 4 से 5 रुपए का एक देगा, लेकिन अगर आप इसे पूरा पैकेट खरीदते हैं या पैकेट से ज़्यादा खरीदते हैं, 2-3-4 पैकेट खरीदते हैं, तो ये आपको पूरा पैकेट 30 रुपये से 50 रुपये तक की जो है ये आपको दुकानदार देगा। तो दोस्तों ये देख लीजिए आप लोग, कुछ इस तरह के होते हैं क्ले। और ये दोस्तों ये वज़न में बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं। तो ये मटेरियल कुछ इस तरह का होता है जैसा कि हम लोग थर्माकोल यूज़ करते हैं। थर्माकोल थोड़ा हार्ड होता है और वो सूखा होता है, और ये थोड़ी सी गीली होती है, जिससे कि हमें कोई भी क्राफ्ट बनाने में या क्ले से कोई भी चीज़ बनाने में बहुत आसानी होती है। तो आप ये देख लीजिए दोस्तों कि ये किस तरह से रबड़ की तरह ये खींचती है, बढ़ती है। और दोस्तों ये हाथ में चिपकती बिल्कुल भी नहीं है। ये अगर ज़्यादा गीली होगी तो ये शायद ही आपके हाथ में चिपके, वरना ये हाथों में बिल्कुल नहीं चिपकती। और इससे बच्चे काफ़ी खेलते हैं, और इसे जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो खेलने के लिए यूज़ करते हैं और कुछ भी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, कुछ हम इस तरह से कोई शेप बनाएंगे जैसे कि हमें इसे गोल करना है। ये देख लीजिए आप कितनी आसानी से और कितनी सफाई से गोल हो चुका है बिल्कुल। ये होता है क्ले, और ये वज़न में दोस्तों बिल्कुल हल्का होता है। इसे आप आसानी से अपने फूक से इसको उड़ा भी सकते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों किस तरह से खींच रहा है। और दोस्तों इसको सूखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1 घंटे का टाइम देना होता है, और ये अच्छे से सूख जाता है। अगर हम इसे रात भर के लिए रख दें कोई भी चीज़ बना के, तो ये अच्छे से सूख जाती है। और दोस्तों बस इसकी एक यही ख़राबी है कि अगर हम इसे दोबारा कभी पानी में अगर इसे भिगोते हैं तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। अगर हम सोचें कि कोई भी चीज़ हमने इससे बनाई है और वो गंदी हो गई है रखे रखे, तो उसको धुल दें, तो उसे आप धुल नहीं सकते। अगर आप धोएंगे तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो ये देख लीजिए दोस्तों हमारे पास पैकेट हैं क्ले के, इसे क्ले बोलते हैं, और इसे हम अपनी क्राफ्ट में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं कुछ आइटम यहाँ पे। तो ये देखिए, हमने एक टेडी बियर बनाया था जो कि आपने शायद देखा होगा हमारी वीडियोज़ में, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों अभी आपको दिखाते हैं कुछ और हम अपनी पिछली वीडियोज़ के सैम्पल, जिससे कि हमने ये क्ले से ही ये सारी चीज़ें बनाई हैं। और ये दुर्गा माँ, और उसके पहले हमने कृष्ण जी बनाए थे, और यहाँ पर ये कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, केला, आइसक्रीम, सेब और स्ट्रॉबेरी। और ये यहाँ पे हमने सेंटा क्लॉज भी बनाया था, और यहाँ पे ये गणेश जी हमने बनाए थे जो कि टोटली क्ले से ही बने हुए हैं। और ये एक मशरूम हाउस हमने बनाया था जो कि पूरा क्ले से बना हुआ था इसी आइटम से। और दोस्तों ये हम इस तरह के आप फ्लावर भी बना सकते हैं। फ़िलहाल ये तो फॉर्म से हमने बनाया, फॉर्म शीट से, लेकिन इस तरह का सेम आप इस क्ले से भी बना सकते हैं, और गुलाब के फूल भी बना सकते हैं। आप जो भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं हमारी ये कुछ क्राफ्ट की वीडियो। दोस्तों आप इससे कुछ भी बना सकते हैं, बस आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए इसे बनाने के लिए कि हमें क्या बनाना है और कैसे बनाना है। और आप अपनी मनपसंद इससे चीज़ें बना सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, हमने
एक रैबिट बनाया था जो कि एक कांच की बोतल के अंदर है, ये कलर का बोतल था। अगर आपने हमारी ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके आप ये सारे वीडियोस देख सकते हैं, इनके सारे ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे। बस दोस्तों आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आप ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।